अनु की रेस्टोरेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए आम से बनने वाली बहुत ही टेस्टी बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं, जो अभी तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। एकदम नई रेसिपी है ये और इतना टेस्टी है कि आप अगर इसको डिनर में बना लेते हैं तो आप इसको बार बार बनाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। सबको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आने वाली है, तो आम की बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनाने वाले हैं हम। फ्रेंड, आप पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो बहुत ईजी है इसको बनाना और टेस्टी तो बहुत है, हेल्दी भी है। आम से हम बनाने वाले हैं, तो अभी तक आपने आम से नहीं देखा होगा इस तरह से रेसिपी, तो बिल्कुल सही है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी क्लिक करिए और आज सेलेक्ट करिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे जल्दी पहुँचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये। ठीक है, हमने आम के पके हुए आम की इस तरह से प्यूरी बना ली है। तो बहुत पका हुआ आम नहीं था, तो इस तरह से थोड़ा कच्चा कच्चा ही था और एक पका हुआ था, तो दोनों हमने लिया था। तो उसका आधा आधा हमने लिया, बड़ा आम था। इस तरह से हमने मुझे खट्टा मीठा दोनों ही टेस्ट आया इसका, तो इसलिए हमने इस तरह से आम लिया है। तो आप भी थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये प्यूरी हमने बना लिया। हमने दो आलू लिए हैं उबाल के, इसको अच्छे से हमने मैश कर लिया है और करीब 150 ग्राम पनीर है, इसको हमने ग्रेट करके रख लिया है। इसको अच्छे से मिला लेते हैं इसको। तो कुछ चीज़ें हम इसमें डालेंगे, तो ग्रेटेड अदरक है ये डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा लाल हरा मिर्च है ये भी डालेंगे और चाट मसाला है ये डाल देते हैं, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून और इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर तो 2 चम्मच है, अच्छे से मिला लेते हैं इसको। पहले थोड़ा सा डाल के देखते हैं, तो अच्छे से मिला लें इसको, एकदम दो की तरह ये पूरा डाल दे रहे हैं। तो 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया था, तो अच्छे से हमने इसको बना लिया ये दो की तरह और इसको किनारे रख देते हैं। 3 प्याज था, अच्छे से काट के इसको हमने उबाल लिया है थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसका हम प्यूरी बनाते हैं। इधर देखिए करीब 8 से 9 काजू है और ये खरबूजे वाला बीज है 1 चम्मच और 1 चम्मच खसखस का खसखस है, तो इसको हम गर्म पानी में हमने इसको भिगो दिया था 1 घंटे के लिए, तो इसको भी हम बारीक इस तरह इसी के साथ प्याज के साथ पीसेंगे। तो देखिए अच्छे से वाइट ग्रेवी हमारी तैयार हो गई प्याज वाली और इसमें हमने वो भी डाला था काजू वगैरह, इसको निकाल देते हैं प्लेट में। तो अच्छे से हमने इसका पेस्ट बना के इसी प्लेट में निकाल लिया है, इसको किनारे कर लेते हैं। अभी जो हमने बनाया है पनीर और आलू का दो, उसको अच्छे से इसके हम गोलियाँ बना लेते हैं। बराबर पोर्शन में काट लेते हैं। सारी गोलियां हमने बना ली है, अब एक गोली इस तरह से उठाएंगे, थोड़ा सा चिपटा करेंगे। स्टफिंग में हम थोड़ा सा काजू काट लिया है और करीब 10-11 एक किशमिश से छोटे छोटे काट लिया है और इलायची पाउडर डाल दिया है, इसको स्टफिंग में हम करेंगे, इसको थोड़ा सा डालते हैं और इसको ऊपर से बंद कर देंगे और इसको गोल कर लेते हैं। इससे तो इसी तरह सारा हम बना लेते हैं, पहले चिपटा करेंगे इस तरह से और थोड़ा सा बीच में इस तरह से होल करके और ये जो हमने काजू किशमिश है ये इसमें डालेंगे। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनने वाली है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बिल्कुल स्पेशल है ये, आप पार्टी के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। गोलियाँ हमने इस तरह बना ली है और इधर 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है
इसको इसमें हम ऐसे हल्का हल्का ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं इसको हमको। और इसको जो एक्स्ट्रा है वो झड़ जाएगा इसके नीचे, इसी तरह सारा इसमें लपेट के हल्का हल्का। इससे क्या होगा, हमारी जो गोलियां हैं ना वो फ्राई करते अच्छे से फ्राई हो पाएंगी और बढ़िया फटेगी नहीं। क्या हमने सब बना ली है और अच्छे से हमने इसको कॉर्नफ्लोर में इस तरह से इसका जो डस्ट कर लिया है अच्छे से, और इधर हमने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब गर्म हो गया तेल हमारा, हम एक एक करके डालेंगे। पहले एक ही डालेंगे और ये चेक करेंगे कहीं ये फट तो नहीं रहा है, नहीं तो पूरा तेल खराब हो जाएगा। तो एक ही डाल के देखते हैं। ठीक है, फट नहीं रहा है अभी। थोड़ा सा तेल इस तरह से ऊपर से डालेंगे और इसको अच्छे से गोल्डन करेंगे हम। तो अब हम बाकी भी डाल दें। तो जो हमने मैदे से डस्ट किया है ना, ये इसीलिए इसमें जो फेना इस तरह से निकल रहा है ये इसी वजह से हो रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। मीडियम कर देते हैं फ्लेम को, जैसे अंदर तक ये पक जाए। बहुत धीमा नहीं रखना है क्योंकि ये आलू और पनीर ही है इसके अंदर। तो बाकी भी इसी तरह हम डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो जितना आएगा ज़्यादा नहीं डालिए कि टकरा जाए आपस में। और इसको अच्छे से, तो तैयार है, गोल्डन हो गया है मेरा बॉडी। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, अब इसे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो 2 चम्मच डाल दिया हमने और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे हम देसी घी डालेंगे तो 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया हमने, तो देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा इस ग्रेवी में। अब कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो आप इधर देखिए, 2 इलायची है, 2 लौंग है और ये दालचीनी वाला स्टिक है, 1 लाल मिर्च है और 2 तेज पत्ता है। इसको भी डाल देते हैं इसमें, तो थोड़ा गर्म हो जाए। इलायची डाल देते हैं, लाल मिर्च डाल देते हैं, लौंग और थोड़ी सी दालचीनी और ये तेज पत्ता। और इसमें हम ये प्याज की और काजू वाली जो ग्रेवी बनाई है ना ये डाल देते हैं। तो ये ग्रेवी हम वाइट ही बनाएंगे, थोड़ा क्रीमी रहेगा क्योंकि मैंगो भी है, तो थोड़ा सा क्रीम और वाइट का कॉम्बिनेशन रहेगा, बड़ा अच्छा लगेगा और खाने में बहुत टेस्टी होने वाला है। आप इसको आम मलाई कोफ्ता भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हम आम का प्रयोग कर रहे हैं, और अभी तक आपने कभी नहीं खाया होगा इस तरह से। इसमें पनीर भी है, आलू भी है और आम का भी प्रयोग है, तो बिल्कुल शाही है, काजू भी है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है इसमें उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको अच्छे से भूनेंगे 1-2 मिनट। इसी में हम ये 1 चम्मच है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी डाल दे रहे हैं, ये भी इसके साथ साथ भुनेंगे। तो अलग है ये, अगर आप पार्टी के लिए बनाएंगे ट्रेवी और ग्रेवी इस तरह की तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होगा, लोग पूछेंगे कैसे बनाया आपने। तो इसको देखिए अच्छे से हम भून रहे हैं, 1-2 मिनट अच्छे से भूनेंगे क्योंकि लहसुन भी और अदरक भी पड़ा हुआ है तो उसका फ्लेवर कच्चा नहीं आना चाहिए, उसको थोड़ा भूनना पड़ेगा। और इसमें देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है धीरे धीरे। ये गरम मसाला है तो 1/2 टीस्पून हमने लिया है, डाल दीजिएगा। इसमें हल्दी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें। कसूरी मेथी है 1/2 टीस्पून, ये भी डालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
ऐसे के साथ भून रहे हैं तो बहुत अच्छा महक आ रहा है अभी से ही। ये इलायची पाउडर है हाफ टी स्पून, ये भी डालेंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत ही जो भी चीज़ें इसमें पड़ रही हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही अलग इसका टेस्ट होगा। अब लास्ट में क्या करेंगे कि ये जो हमने आम की पूरी बनाई है इसको डालेंगे इसमें। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब इसको भी डाल के थोड़ा भूनेंगे। तो इससे खट्टा मीठा एक जो इसका टेस्ट आएगा बिल्कुल अलग होगा। इसके साथ भूनेंगे इसको। तो आप देख रहे हैं एकदम नेचुरल कलर है, जैसे लग रहा है हल्दी पड़ा हुआ है। खट्टा मीठा जो आम का आपने कभी नहीं बनाया होगा इस तरह। तो कोफ्ते तो आप कई बार खाए होंगे पर इस तरह से कोफ्ते नहीं बनाए होंगे। तो एकदम इसको भी हम भूनेंगे करीब एक दो मिनट। और अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है और इसमें लाल मिर्च भी हमने नहीं उस तरह से पिसी हुई नहीं डाली है, क्योंकि इसका ग्रेवी इसी कलर में आनी है। तो लाल मिर्च डालेंगे तो उसका कलर आ जाएगा। और हमने एक मिर्च इस तरह से डाल दिया है लाल वाली खड़ी वाली, और हरी मिर्च हमने कोफ्ते में डाला है तो तीखा हो जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे मलाई, क्योंकि इसको हम मलाई कोफ्ता, एक आम मलाई कोफ्ता है ये, तो ताज़ी मलाई है ये, इसको डालेंगे हम इसमें। तो एक दिन की मलाई है ये, तो हाफ कटोरी है, इसको डाल लेते हैं। इसको भी इसके साथ भूनेंगे, अच्छे से चला लें इसको। राजा महाराजाओं के यहाँ इस तरह से मलाई कोफ्ते बनते थे जब कुछ खास ओकेजन होता था। तो मलाई को भी हमने भून लिया है, अब इसी कटोरी में पानी डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसको। तो थिकनेस जो है थोड़ी होगी इसमें, और जो हमारे कोफ्ते बने हुए हैं वो इसमें जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बहुत ज़्यादा थिक है। और अभी तक नमक नहीं डाला है तो अब नमक डालेंगे इसमें, हाफ टी स्पून डाल दे रहे हैं। तो कलर कितना खूबसूरत आया है फ्रेंड, देख रहे हैं आप, मज़ा आ जाएगा इसको खाने पे। और कोई भी मसाला ऐसा नहीं है इसमें कि बहुत अलग सा हो, बिल्कुल जो भी मसाले हमने डाले हैं और इसके बिल्कुल अनुरूप हैं। तो थोड़ा पानी अब डाल देते हैं, आधी कटोरी पानी डाल दिया, इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम। इसको ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, ऑफ कर दे रहे हैं फ्लेम को हम, और इसको हम अपने बोल में निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेवी इसमें डालेंगे। तो जब आपको खाना हो फ्रेंड तभी आप कोफ्ते को डालिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी ये कोफ्ते टूट जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें हम इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट बना है, बाकी इसी के ऊपर से आप देख रहे हैं कितना नेचुरल कलर आया है। हमने इसमें कोई हल्दी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला है फिर, बहुत ही लाजवाब है ये। और अभी तक आपने कभी नहीं देखा होगा इसको इस तरह से बनाते हुए, और ना खाया होगा कभी। तो एक बार बनाइए, बनाना बनता है फिर। तो एक हम काट के दिखाते हैं कैसे इसका टेक्स्चर है और कितना सॉफ्ट है अंदर से। देखिए बड़े आराम से ये दो भाग हो रहा है, देखिए। और इसमें जो हमने कितनी अच्छी जाली आई फ्रेंड, देख रहे हैं। तो यही एक असली कोफ्ते की पहचान है कि आपने बहुत ही परफेक्ट रेसिपी डाला है इसमें। तो आप इस तरह जरूर बनाइए। तो इसको भी हम ऐसे ही रख दे रहे हैं इसी के साथ, और इसके ऊपर भी हम डाल दे रहे हैं इस तरह से। ग्रेवी को
हम आम से इसको डेकोरेट करेंगे उसमें। मज़ा आ जाएगा खाने में। ये बार जो बनाइए एकदम चटपटा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप आम खा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ही अलग कोफ्ता ही लगेगा, बहुत ही मज़ेदार है ये। तो ये हम डाल दे रहे हैं इसमें। आप चाहें तो धनिया पत्ती से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने आम से बनाया है इसको, इसलिए हम इसमें आम का ही डेकोरेशन करेंगे। मैंगो मलाई कोफ्ता तैयार कर लिया है और बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। आप जब तक तो बनाए नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा, तो बनाना ज़रूरी है इसको। तो बनाइए, बना के खाए, खाने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड फ्रेंड में, और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जैसे जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से पहुँचे। और कमेंट करके जो बताया करिए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी साथ, टेक केयर, बाय बाय।